इन नियम को पालन करते हैं, हम तो मनुष्य है भक्तों, मनुष्य है। मनुष्य को अपने नियम समझने चाहिए, शास्त्र को पढ़कर जान लेना चाहिए। और ये सब वस्तु तो शरीर के लिए भी हानिकारक है, भक्ति के लिए तो हानिकारक है ही। इसलिए जीवन में कभी भी जुआ न खेले, जीवन में कभी भी नशा न करे, कभी भी मांसाहार न करे और पर स्त्री संग न करे, तब जीवन पवित्र होगा और उस पवित्र जीवन में भगवान की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार परीक्षित ने कलयुग को चार जगह पर स्थान दे दिया। उस दिन से कलयुग ये चार जगह पर रहता है भक्तों, ये चार जगह से ही कलयुग प्रारंभ होता है। इस दुनिया में लोग हजारों पाप करते हैं, लेकिन ये हजारों पाप की जननी है ये चार कार्य, ये चार पाप। इसलिए इन घोर पाप से बचना चाहिए। महाराज परीक्षित अपने राज्य में वापस लौट गए। धीरे धीरे दिन बीत रहे हैं। एक दिन की बात, महाराज परीक्षित मृगड़ा करने के लिए वन में चले गए। घोर वन में प्रवेश किए। गर्मी के दिन चल रहे थे और उस समय महाराज परीक्षित को प्यास लगी। महाराज परीक्षित ने बहुत जगह पर जल ढूंढा, परंतु कहीं जलाशय नहीं मिला। थोड़े दूर समीक ऋषि का आश्रम था। महाराज परीक्षित समीक ऋषि के आश्रम में गए जल पीने के लिए। उस समय समीक ऋषि ध्यान में बैठे थे। महाराज परीक्षित ने सोचा कि ये वास्तव में ध्यान कर रहे हैं कि ध्यान करने का नाटक कर रहे हैं। ये परीक्षण लेने के लिए, इसकी परीक्षा लेने के लिए महाराज परीक्षित ने एक मरा हुआ सांप उस समीक ऋषि के गले में डाल दिया। देखा कि नहीं, वास्तव में ध्यान में बैठे। परीक्षित जल ग्रहण करके वहां से चले गए। उस समय ये दृश्य किसी व्यक्ति ने देख लिया और तुरंत दौड़कर समीक ऋषि का एक पुत्र था जिसका नाम था श्रृंगी। उन्होंने श्रृंगी को जाकर कह दिया कि तुम्हारे पिता के गले में किसी ने सांप डाला है। श्रृंगी ने सोचे बिना समझे बिना हाथ में जल लेकर संकल्प कर दिया और श्राप दे दिया कि जिस किसी व्यक्ति ने मेरे पिता के गले में सांप डाला है वह व्यक्ति आज से 7 दिन के बाद तक्षक नाग आएगा, उसे डरे डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसमें ताली का है कि ताली किस बात की है? इतने बड़े धर्मात्मा राजा को श्राप मिला, ताली तो दुख की बात है। इसका अर्थ ध्यान से दिया है कि मैं जोर से बोलूं इसलिए ताली बजाओ। मैं तो सोच रहा था आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, सोच समझ कर ताली बजा रहे हैं, लेकिन मैं तो बिल्कुल ढीला पड़ गया। तो श्राप मिल गया महाराज परीक्षित को। वह श्रृंगी दौड़ते हुए अपने पिता के पास आया, देखा तो पिताजी जीवित थे और पता चला ये तो मरा हुआ सांप है। श्रृंगी ने अपने पिता समीक ऋषि को कहा, पिताजी मेरे से एक गलती हो गई। क्या हुआ बेटा? बोले, मुझे पता नहीं था कि आपके गले में मरा हुआ सर्प है, इसलिए मैंने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि जिस किसी ने सांप डाला है उसकी 7 दिन में मृत्यु होगी। समीक ऋषि ध्यान में बैठे और ध्यान करके उन्होंने देखा
कि मेरे बेटे श्रृंगी ने किसको श्राप दिया है। जैसे ही समीक ऋषि को पता चला, कांप गए। समीक ऋषि बड़े दुखी हुए और अफसोस करते हुए कहा, बेटा आज तुमने अपने जीवन में बहुत बड़ा, बहुत गलत कार्य कर दिया, क्योंकि तुमने एक चक्रवर्ती सम्राट धर्मात्मा महाराज परीक्षित को श्राप दिया है। बहुत गलत कर दिया बेटा। तुम नहीं जानते, इस परीक्षित के प्रभाव से कलयुग इस राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इस धर्मात्मा महाराज परीक्षित के कारण सारी प्रजा सुखी है, संपन्न है, लेकिन अब महाराज परीक्षित इस राज्य में नहीं रहेंगे, अनर्थ हो जाएगा, घोर कलयुग प्रवेश कर लेगा, दुनिया में चोरी होगी, डकैती होगी, झगड़े होंगे, भाई भाई में झगड़े होंगे, कलह बढ़ेगा, लोग एक दूसरे को गाली देंगे, और ये सारा दोष मुझे लगेगा। समय कृष्ण ने भगवान को प्रार्थना की, हे प्रभु, पुत्र की गलती पुत्र की नहीं उनके पिता की मानी जाती है, मेरे बेटे से गलती हुई, आप मुझे क्षमा कीजिए। और समय कृष्ण ने तुरंत अपने शिष्य को भेजा, जाओ और जाकर परीक्षित को कहो कि 7 दिन में मरना है, मरने से बचने का कोई उपाय कर ले। अपने शिष्य को भेजा, महाराज परीक्षित अपने राज्य में पहुंचे, तब तक तो समीक ऋषि का शिष्य पहुंच गया और महाराज परीक्षित को निवेदन किया, प्रभु एक दुख की बात है, एक दुखी समाचार लेकर आया हूं। बोलो क्या? बोले प्रभु, अब आज से आपके जीवन में मात्र 7 दिन ही बचे हैं। 7 दिन के बाद तक्षक नाग आपको डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा श्राप श्रृंगी ऋषि ने दिया है। इतना कह के वह तो चला गया। भक्तों, अन्य कोई राजा होता या तो श्रृंगी ऋषि को मार डालता या समीक को मार डालता, लेकिन धन्य है महाराज परीक्षित, धन्य है। उस समय महाराज परीक्षित ने श्रृंगी को दोष नहीं दिया। उस समय भागवत में वर्णन है, महाराज परीक्षित ने कहा, ओ आज मुझ पर भगवान की कृपा हुई है, श्रृंगी ऋषि के श्राप को महाराज परीक्षित ने भगवान की कृपा समझी। क्योंकि भक्तों, साधुओं के मुख से निकला हुआ श्राप भी व्यक्ति के लिए वरदान बन जाता है। बोले आज मुझ पर भगवान की कृपा हुई, क्योंकि भगवान जब कृपा करते हैं तो अपने भक्त के माध्यम से करते हैं। हो ना हो, मुझे भले कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें मेरा कुछ भला है, मेरा कुछ अच्छा ही होना है। महाराज परीक्षित तुरंत निर्णय ले लिए कि अब मेरे जीवन में मात्र 7 दिन बचे हैं, इस 7 दिन में मैं मेरे घर को छोड़ दूंगा। पहला निर्णय देखिए, मरना है 7 दिन में, तो 7 दिन में मरना है तो सर्वप्रथम घर को छोड़ दूंगा। क्योंकि किसी कवि ने कहा है, मरना भलो विदेश में, जहां न अपना कोई, माटी खाए जनावरा महामहोत्सव होई। जब पता चले कि यह देह छूटने वाला है, मरने वाले हैं, बुद्धिमान व्यक्ति को तुरंत अपना स्थान, अपना घर छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि भक्तों, गीता में वर्णन है कि अंत काले च माम एव स्मरण युक्त्वा कलेवरम। इस कलेवर, इस शरीर को त्यागते हुए अंतिम समय में यदि कोई कृष्ण का, भगवान का स्मरण करता है, तो मरने के बाद वह भगवान के धाम वैकुंठ में चला जाता है। तो मृत्यु के समय व्यक्ति को अपना स्थान त्याग देना चाहिए और किसी स्थान में जाकर भगवान का स्मरण करना चाहिए।
अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के आचार्य प्रभुपाद को जब पता चला कि अब जीवन की अंतिम घड़ी आ रही है, प्रभुपाद जी अमेरिका में थे, लेकिन पता चला कि अब यह देह छूटने वाला है, तुरंत प्रभुपाद वृंदावन में आ गए और वृंदावन में आकर उन्होंने अपने देह को त्यागा। इसलिए भक्तों, मरना तो सबको है, लेकिन अपने घर पर नहीं मरना चाहिए। आप कहोगे घर पर मरेंगे तो क्या प्रॉब्लम, भक्तों घर पर मरेंगे तो कैसी दुर्गति होती है जानते हैं? आदमी बूढ़ा मरने से 2-3 या 5-6 महीने पहले ही बिस्तर पर लेट जाता है, बच्चे उनकी सेवा में लग जाते हैं और बच्चे डॉक्टर को बुलाते हैं, बूढ़ा मरेगा कब बताइए ना डॉक्टर साहब। अब धीरे धीरे दिन बीतते हैं और बूढ़े की जब सांस फूलने लगती है तब बच्चे सबको बुला लेते हैं, अब आ जाओ, बहन को बुला लेते हैं, भाई को बुला लेते हैं, चाचा मामा दादा सबको बुला लेते हैं। बूढ़ा बेचारा प्रयास कर रहा है भगवान का स्मरण करूं तो कुछ भगवान का धाम मिले, लेकिन सबको बुला लेते हैं, बेटी तू आ गई है? बेटी को देखता है बूढ़ा, बच्चा को देखता है, अपनी छोटे बेटे को देखता है, बच्चे के बच्चे को देखता है, बूढ़ा मर जाता है। अपने बच्चे का स्मरण करके बूढ़ा मरता है। अब जिसका स्मरण करेगा वैसा शरीर मिलता है, फिर अपने वो बूढ़ा अपने बच्चे का बच्चा बनकर आता है। फिर माता कहती है ये तो अपने दादा के ऊपर गया, वो दादा ही आया है, दादा के ऊपर नहीं गया, वो दादा ही तुम्हारे घर पर आया है। क्योंकि बेचारा दादा तो जा रहा था वैकुंठ, लेकिन आपने जाने नहीं दिया। आपने परिवार वालों को बुलाकर रोक दिया, घर पर बुलाया। इसलिए शास्त्र का सिद्धांत है कि जब पता चले मृत्यु के दिन निकट आ रहे हैं, स्थान छोड़ देना चाहिए। महाराज परीक्षित अपने मन में सोच लिए कि अब ये स्थान छोड़ दूंगा। इस प्रसंग को सूरदास जी बहुत सुंदर अपने सुरसागर में वर्णन करते हैं ब्रज भाषा में। भक्तों, ये सूरदास जी हमारे भारतवर्ष में बहुत सुंदर भक्त हुए। जन्म से अंधे थे परंतु कृष्ण की भक्ति में सराबोर रहते थे। कृष्ण भक्ति के, कृष्ण के रूप गुण लीला के अनेकों पद लिखे, हजारों पद सूरदास जी ने लिखे। एक दिन की बात है, सूरदास जी ये भजन गाकर भजन करके अपने घर की ओर जा रहे थे। अंधेरी रात थी, आंख तो थी नहीं, अंधेरी रात में अकेले चलते हुए जा रहे थे और 100 फुट दूर एक कुआ, जिसकी बाउंड्री नहीं थी, जिसकी दीवार नहीं थी, अब 2 मिनट सूरदास जी चले तो उस कुएं में गिर जाए। लेकिन भगवान अपने भक्त को कुएं में कैसे गिरने दें? तुरंत भगवान से कृष्ण बाल गोपाल का रूप लेकर एक 5 साल के बच्चे बनकर वहां आए, सूरदास जी के हाथ को पकड़े और कुएं से बिल्कुल घुमाकर सूरदास जी को बचाकर आगे चलाया। सूरदास जी उस बच्चे को पूछने लगे, बेटा इतनी रात को तुम यहां सुनसान जगह पर क्या कर रहे हो? बोले, बाबा मैं बस यहीं से जा रहा था तो आपको देख लिया। अच्छा बेटा, बताओ तुम्हारी मां का नाम क्या है? अब भगवान को पसीना छूटने लगा, अब तक तो ठीक था। अच्छा बेटा, बोल क्यों नहीं रहे हो? पता नहीं। ठीक है, बताओ तुम्हारे बाबा का नाम क्या है? तो टेंशन में हो, कहां के तुम, कहां से आए हो, कहां के रहने वाले? भगवान ने सोचा अब मेरे भक्त की रक्षा हो गई है, अब मेरा भक्त मुझे मुसीबत में डालने वाला है। तुरंत भगवान कृष्ण ने सूरदास जी का हाथ छुड़ा दिया और हाथ छुड़ाकर भागने लगे। सूरदास जी समझ गए और तुरंत ऑन द स्पॉट सूरदास जी ने एक पद की रचना कर दी। हाथ
छुड़ा कर जात हो निर्बल जानी मो। कृष्ण हाथ छुड़ा कर जात हो निर्बल जानी मोई, मैं अंधा हूं मैं निर्बल हूं यह देखकर मेरा हाथ छुड़ाकर तुम भाग रहे हो, भागो। हाथ छुड़ाकर जात हो निर्बल जानी मोई, कृष्ण मुझे निर्बल समझकर अंधा समझकर मेरा हाथ छुड़ाकर भाग रहे हो, सच्चा वीर तो तब मानूंगा जब मेरे हृदय को छुड़ाकर दिखाओ। हृदय छुड़ाकर जाए तो वीर बखानू तोई, वीर तो तब मानूंगा जब इस सुरदास के हृदय को छोड़कर दिखा, हृदय को छोड़ दिखाओ। ऐसे सुरदास जी भगवान की लीला और भागवत के ऊपर बहुत सुंदर पद लिखे। आइए महाराज परीक्षित की आगे की कथा सुरदास जी के शब्दों में। या विधि राजा करियो विचार, 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 राज साज सभी को डारी, राज साज सभी को डारी, जीरन पट कुपित तन धारी, जीरन पट कुपित तन धारी, जीरन पट कुपित तन धारी, चन्यो सुर सरिशीष उधारी, चन्यो सुर सरिशीष उधारी। महाराज परीक्षित ने सोच लिया कि अब जीवन में मात्र 7 दिन बचे हैं, ये 7 दिन मैं इस घर में नहीं बिताऊंगा। तुरंत महाराज परीक्षित अपने राज परिवेश को त्याग दिए, जीर्ण पट एक कोपीन धारण कर लिया और अपने लाखों लाख नौकर चाकर राज रजवाड़े धन संपत्ति सब कुछ त्याग कर महाराज परीक्षित गंगा के तट पर जाने के लिए निकल पड़े। जैसे ही महाराज परीक्षित निकले उनके पुत्र उनकी पत्नी सब रोने लगे रोकने लगे, पुत्र कलत्र देखी सब रोवे, पुत्र कलत्र देखी सब रोवे, राजा तीन की ओरन जो पत्नी रो रही है पुत्र रो रहे हैं, पिताजी मत जाइए पतिदेव मत जाइए। लेकिन भक्तों इस संसार में कहावत है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति परब्रह्म भगवान कृष्ण को पाने के लिए संसार को खोना पड़ेगा, संसार को छोड़ना पड़ेगा। महाराज परीक्षित के दिलो दिमाग में कृष्ण छाए हुए, अतः उन्होंने पुत्र की ओर नहीं देखा पत्नी की ओर नहीं देखा, भगवान में अनुराग हो गया और दुनिया में वैराग्य हो गया। चलने लगे महाराज परीक्षित, जैसे ही परीक्षित चले उनकी प्रजा भी उनके साथ चलने लगी। राजा चल चले सब लोग, राजा चल चले सब लोग, दुखी तब ये सब नृपति वियोग, दुखी तब ये सब नृपति
अति सुर सर के तट आई रे पति सुर सर के तट आई कियो स्नान मृति का लाई कियो महाराज परीक्षित चलने लगे, सारी प्रजा उनके साथ चलने लगी। महाराज परीक्षित ने अपनी प्रजा को विदा कर दिया और अकेले सुरसरी जो सूर्य लोक से गिरी है, ब्रह्म लोक से इस पृथ्वी पर आई, गंगोत्री से प्रकट होने वाली भागीरथी गंगा के तट पर महाराज परीक्षित आए। गंगा की मृतिका लगाकर गंगा जल में स्नान किए और महाराज परीक्षित गंगा में खड़े रहकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करने लगे। करी संकल्प अन जल त्याग्यो करी संकल्प अन जल त्याग्यो करी संकल्प अन जल त्याग्यो केवल हरि पद सो अनुराग्य केवल हरि पद सो अनुराग्य केवल हरि पद सो अनुराग्य केवल हरि पद सो अनुराग्य। महाराज परीक्षित गंगा में स्नान किए, गंगा जल को हाथ में लेकर संकल्प किए। महाराज परीक्षित संकल्प कर रहे हैं, मेरे जीवन में मात्र 7 दिन बचे हैं, इस आने वाले 7 दिन में मैं भोजन नहीं करूंगा, इस 7 दिन में मैं जल ग्रहण नहीं करूंगा, इस आने वाले 7 दिन में मैं निद्रा भी नहीं करूंगा। महाराज परीक्षित ने अनशन आमरण व्रत ले लिया और उस समय महाराज परीक्षित गंगा के तट पर खड़े रहकर संकल्प कर लिए कि इस आने वाले 7 दिन में मैं मात्र भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनूंगा, कृष्ण कथा सुनूंगा। यह संकल्प लिया परीक्षित ने। जैसे ही ये संकल्प पूरी दुनिया के लोगों को पता चला, वायु वेग से संसार के सभी श्रेष्ठ श्रेष्ठ ऋषि मुनि अपने समस्त शिष्यों को साथ में लेकर महाराज परीक्षित के पास गंगा के तट पर आने लगे। सभी ऋषि मुनियों के मन में हुआ, आज पूरी दुनिया के राजा परीक्षित संकल्प किए हैं कि मैं भगवत कथा सुनूंगा, निश्चित कोई कथा होगी, भगवत कथा होगी, इसे सुनने के लिए सभी ऋषि मुनि अपने हजारों हजारों शिष्यों को साथ में लेकर उपस्थित होने लगे। अत्रिवशिष्ठा दिक्कत आये अत्रिवशिष्ठा दिक्कत आये अत्रिवशिष्ठा दिक्कत आये नारद दादि मुनि सिधाये नारद दादि मुनि सिधाये। महाराज परीक्षित भागवत कथा सुनना चाहते हैं, यह संकल्प सुनकर सभी ऋषि मुनि आने लगे। इस भारतवर्ष के श्रेष्ठ ऋषि मुनि अत्रि आए, वशिष्ठ आए, चवन आए, शरदवान आए, अरिष्ट नेमी, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उत्य, इंद्रप्रमद, इग्मवाह, मेधातिथि, देवल, आष्टशेन, भरद्वाज, गौतम, पिपलाद, मैत्रेय, औरव, कवश, अगस्त्य, नारद, हजारों ऋषि मुनि हजारों शिष्यों के साथ महाराज परीक्षित की सभा में प्रकट हो गए। महाराज परीक्षित सभी ऋषि मुनियों का स्वागत किए,
प्रणाम किए, आसन प्रदान करे और उस समय सभी ऋषि मुनियों की वो भीष्म में खड़े रहकर महाराज परीक्षित ने ऐलान किया, हे ऋषि मुनियों, आज चाहे तक्षक आए या साक्षात काल भी क्यों ना आए, मुझे किसी भी प्रकार का भय नहीं है, क्योंकि आज मैं आज सब ऋषि मुनियों के सानिध्य में खड़ा हूं और गंगा के तट पर विराजमान हूं। आज मुझे किसी काल का भी भय नहीं है। हे ऋषि मुनियों, आज आप यहां पर आए हो, ये परीक्षित आपके चरणों में निवेदन करता है कि आप मुझे भगवत कथा सुनाइए, गायत्री विष्णु गाथा। लेकिन भक्तों, वहां पर ऋषि मुनि तो हजारों थे, लाखों थे, लेकिन ये सभी ऋषि मुनि भागवत सुनाने के लिए नहीं, सुनने के लिए आए। महाराज परीक्षित ने कहा, मुझे कोई भागवत सुनाओ, परंतु सभी ऋषि मुनि चुप बैठ गए, सन्नाटा छा गया। इस संसार में जब कोई भक्त भगवान की शुद्ध कथा सुनना चाहता है, उस समय भगवान की उस भक्त के ऊपर कृपा होती है। जब महाराज परीक्षित के हृदय में भागवत कथा सुनने की इच्छा हुई, भगवान की कृपा से इस सृष्टि पर स्वतंत्र गति से विचरण करने वाले दिव्य लक्षण वाले आत्मराम, आप्त काम, मुक्त काम, प्रातः स्मरणीय, परम आदरणीय भागवत भूषण, भागवत प्रधान, भागवत भास्कर, वैया सखी, व्यास नंदन श्री सुखदेव गोस्वामी प्रकट हो गए। सुखदेव तुम्हारी जय जय हो, 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 भैया सखी तुम्हारी जय जय हो, भैया सखी तुम्हारी जय जय हो। महाराज परीक्षित की सभा में सुखदेव गोस्वामी प्रकट हो गए। सुखदेव गोस्वामी 16 साल के लड़के, परंतु दिव्य प्रभाव, साक्षात भगवान कृष्ण ही प्रकट होकर आए। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए और सुखदेव गोस्वामी का स्वागत करने लगे। आज हमारे गोविंदगढ़ में, हमारी कथा में सुखदेव जी का आगमन हुआ है। सभी भक्त खड़े होकर नाचते हुए गाते हुए सुखदेव गोस्वामी का स्वागत करें। सुखदेव तुम्हारी जय जय हो, 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 भैया सखी 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 तुम्हारी जय जय हो, सुखदेव 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 तुम्हारी जय जय हो, भैया सखी 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 तुम्हारी जय जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। देखिए किसी समाज में किसी सभा में महाभागवत का आना ये बहुत शुभ और मंगल माना जाता है। आज हमारी सभा में सुखदेव जी आए हैं, बड़े प्रेम से आनंद से नाचते हुए कीर्तन कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. तरसावेरे लाला मोहे काहे को तरसावे हे मेरे घर कब हुनया सावरिया मोहे काहे को तरसावे मेरे घर कब हुनया सावरिया मोहे काहे को तरसावे मेरे घर कब हु आवे सावरिया मोहे काहे को तरसावे मेरे घर का पहुनया हे सावरिया मोहे काहे को तरसावे बन बन गाय चरावत डोले 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 तुकारी तुकारी ओढ़े कामलिया मोह काहे को तरसावे तुकारी ओढ़े काहे को तरसावे तू तो कारी ओढ़े कामरिया मोहे काहे को तरसावे तू तो कारी ओढ़े कामरिया मोहे काहे को तरसावे मेरे घर का बहुनया सावरिया मोहे काहे को तरसावे मेरे घर का बहुनया सावरिया मोहे काहे को तरसावे सोय गई और खोय गई मैं 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 सोय गई और खोय गई सोय गई और खोय गई मैं सोय गई और खोय गई मैं मधुर बजाई गई बांसुरिया मोह काहे को तरसावे मधुर बजाई गई बांसुरिया मोह काहे को तरसावे काहे को तरसावे लाला मोह काहे को तरसावे काहे को तरसावे लाला मोहे काहे को तरसावे ए मेरे घर ए मेरे घर ए मेरे घर का बहुन आवे सावरिया मोहे काहे को तरसावे मेरे घर का बहुन आवे सावरिया मोहे काहे को तरसावे रहियो न जावे सुन सुन मोह पे
रहियो न जावे सुन सुन मो पे रहियो न जावे सुन सुन मो पे रहियो न जावे सुन सुन मो पे रहियो न जावे सुन सुन मो पे रहियो न जावे चलगत में बज पायलिया मोहे काहे को तरसावे चलगत में बज पायलिया मोहे काहे को तरसावे काहे को तरसावे लाला मोहे काहे को तरसावे काहे को तरसावे लाला मोहे काहे को तरसावे ए मेरे घर ए मेरे घर मेरे घर का बहुनिया चारिया मोहे काहे को तरसावे मेरे घर का बहुनिया सावरिया मोहे काहे को तरसावे मेरे घर का बहुनिया चारिया मोहे काहे को तरसावे मेरे घर का बहुनिया सावरिया मोहे काहे को तरसावे काहे को तरसावे काना मोहे
काहे को तरसाए। ए मेरे घर, ए मेरे घर, ए मेरे घर का बहुन आवे सावरिया, मोह काहे को तरसाए। मेरे घर का बहुन आवे सावरिया, मोह काहे को तरसाए। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो। राधा रमण हर गोविंद बोलो, राधा रमण हर गोविंद बोलो, राधा रमण हर गोविंद बोलो, राधा रमण हर गोविंद बोलो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे नाम संकीर्तन की, श्रील गोपाल की जय। इस प्रकार श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित की सभा में प्रकट हुए। श्री सुखदेव जी कोई साधारण जीव नहीं है, ये साक्षात भगवान के पार्षद हैं। भगवान श्री कृष्ण और उनकी प्रिया श्रीमती राधा रानी जब दोनों को एक दूसरे का विरह सताता था, तब राधा रानी के पास एक शूक था, तोता। राधा रानी अपने तोते को चुंबन करके उनके कान में संदेश देकर उसे कृष्ण के पास भेजती थी, और कृष्ण अपना संदेश श्रीमती राधा रानी को देते थे। राधा और कृष्ण के संदेश को लाने और ले जाने वाला वह शुक ही सुखदेव के रूप में प्रकट हो गया। इसलिए आचार्यों ने लिखा है, लीला शुको सो वृषभानुजाया पवित्र चंचु प्रिय चुंबने एकांतिको न शरहस्य पाठी गोलोक प्रसाद सदा निवास। गोलोक प्रसाद सदा निवास, ऐसे गोलोक धाम के पार्षद सुखदेव जी महाराज परीक्षित की सभा में उपस्थित हुए। परीक्षित महाराज प्रणाम करते हैं, सुखदेव जी का पूजन करते हैं और सुखदेव जी को उच्च आसन पर विराजमान करते हैं। दोनों हाथ जोड़कर महाराज परीक्षित निवेदन करते हैं, अत प्रच्छामि सम सिद्धि
योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे सुखदेव गोस्वामी, प्रभु मैं 7 दिन में मरने वाला हूं और मेरे जैसा आदमी जो मरने वाला है, जो मरण धर्मा है, जिसे एक ना एक दिन अवश्य मरना है, ऐसे व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा कर्तव्य क्या होना चाहिए? मरण धर्मा मरने वाले मनुष्य के लिए सबसे पहला कर्तव्य क्या होना चाहिए? उसे क्या करना चाहिए जिससे वे परम पद को प्राप्त कर जाए? सुखदेव जी कहते हैं, राजन धन्य हो आप और धन्य है आपकी जिज्ञासा, क्योंकि राजन इस संसार में कहने और सुनने के लिए तो बहुत बातें हैं। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्त्रशः, हजारों हजारों बातें इस संसार में है जो संसार के लोग करते रहते हैं, परंतु जिससे आत्मा का कल्याण हो जाए ऐसी बात कोई नहीं करता है। राजन आज जो तुमने पूछा है उससे लोगों की आत्मा का कल्याण होगा। जिस व्यक्ति को एक ना एक दिन मरना है, ऐसे मरण धर्मा मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण की कथा सुननी चाहिए, कृष्ण का नाम लेना चाहिए और कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। और जिसे संसार की वस्तु चाहिए, संसार के भोग चाहिए, उसके लिए भी श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस दुनिया में मनुष्य को क्या चाहिए और वह वस्तु प्राप्त करने के लिए किस देवता के पास जाना चाहिए, पूरे अध्याय में इसका वर्णन करते हैं। बहुत बड़ा है, मैं मात्र संक्षिप्त में आपको कह रहा हूं। सुखदेव जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को ब्रह्म तेज चाहिए वो बृहस्पति की पूजा करे, बृहस्पति की पूजा करने से ब्रह्म तेज मिलता है। जिसको इंद्रिय बल चाहिए वह इंद्र देवता की पूजा करे, और जिसको संतान चाहिए वो प्रजापति की पूजा करे। ये सीधे श्लोक में लिखा है, मैं मात्र अनुवाद हिंदी में अनुवाद कर रहा हूं। जो वस्तु चाहिए उनके देवता होते हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए। इस संसार में तो कुछ लोगों को मांगना भी नहीं आता। हनुमान जी के पास जाकर कहते हैं, हनुमान जी महाराज मुझे एक संतान चाहिए, आप मुझे संतान दे दो। अरे वो बाल ब्रह्मचारी है। हनुमान जी को लगता है एक गदा इसके मस्तक पर मार दूं। यदि संतान चाहिए तो प्रजापति की पूजा करें, लक्ष्मी चाहिए तो माया देवी की पूजा करें, तेज चाहिए तो अग्नि की पूजा करें, धन चाहिए तो वसु की पूजा करें, बल चाहिए तो जिम्नेशियम में जाने की जरूरत नहीं, ज्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं, बल चाहिए तो रुद्र गण की पूजा करें, अनाज चाहिए तो अदिति की पूजा करें, स्वर्ग चाहिए तो देवता की पूजा करें, राज्य चाहिए तो विश्व देवता की पूजा करें, पॉलिटिशियन के लिए, नेताओं के लिए,
यदि राज्य चाहिए, नेता बनना है, तो विश्व देवता की पूजा करें। और यदि प्रजा को अनुकूल बनाना है, प्रजा को अनुकूल बनाने के लिए साध्य देवता की पूजा करें। पुष्टि चाहिए तो पृथ्वी की पूजा करें, सम्मान चाहिए तो आकाश की पूजा करें, रूप चाहिए तो ब्यूटी पार्लर में जाने की जरूरत नहीं। क्या खाम का पैसे वेस्ट करना, और ब्यूटी पार्लर का रूप 2-3 घंटे के लिए रहता है। यदि नित्य रूप चाहिए तो गंधर्व की पूजा करें। कुछ माताओं ने लिख लिया, अच्छा पति के पैसे बचेंगे। स्त्री चाहिए, यदि किसी की शादी ना हो रही हो लड़कों में से, बहुत मेहनत करने के बाद भी शादी ना हो रही हो, तो बस स्टॉप पर खड़े रहने की जरूरत नहीं, गार्डन में घूमने की जरूरत नहीं। यदि स्त्री चाहिए तो उर्वशी की पूजा करें, ऐसा लिखा है। यदि स्वामी बनना है तो ब्रह्मा जी की पूजा करें। कीर्ति चाहिए तो यज्ञ की पूजा करें। भोजन चाहिए तो वरुण देवता की पूजा करें। विद्या चाहिए तो शिव जी की पूजा करें। और पति पत्नी के बीच में बहुत झगड़ा हो रहा है, यदि इस झगड़े को बंद करना है तो पार्वती की पूजा करें। वंश वृद्धि करनी है तो पितरों की पूजा करें। रक्षा चाहिए तो यक्ष की पूजा करें। और ओजस चाहिए तो मरुदगण की पूजा करें। जिसको जो चाहिए उनकी भक्ति करें। समझ में आ गया? हैप्पी, खुश? लेकिन महाराज परीक्षित ने पूछा कि यदि ये सब कुछ चाहिए तो। देखिए बहुत सुंदर प्रश्न है। आप देखिए, इसमें से एक देवता की पूजा करोगे तो पूरा जीवन निकल जाएगा। मान लो किसी को रूप चाहिए तो उसको रूप ही मिलेगा, फिर धन नहीं मिलेगा। और जिसको धन चाहिए लक्ष्मी की पूजा करे तो फिर रूप नहीं मिलेगा। इसलिए यदि ये सब कुछ चाहिए तो, महाराज परीक्षित ने पूछा कि हे सुखदेव जी, ये सब कुछ जिसको चाहिए उसको क्या करना चाहिए? सुखदेव जी कहते हैं, ये सब कुछ चाहने वाले को भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। अकामो सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। अकामो सर्वकामो वा, ऐसे भागवत का एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन समय अभाव में मैं संक्षिप्त में ही कर रहा हूं। यदि किसी के मन में अकाम, कोई कामना नहीं है, और यदि किसी के मन में इस दुनिया की बहुत सारी वस्तु चाहिए, नो प्रॉब्लम। यदि आपको कुछ भी चाहिए, अथवा यदि किसी को मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, इन सभी व्यक्ति को परम पुरुष भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, तीव्रता से, तीव्रता से कृष्ण की भक्ति करने से ये सब कुछ मिल जाता है। और भक्तों, यही जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? आजकल सब लोग बिजनेसमैन बन रहे हैं। जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, बुद्धिमान बिजनेसमैन, वो किसी भी कार्य करने से पहले सोचता है इस कार्य में प्रॉफिट क्या है और लॉस क्या है। भगवान ने हमें ये मनुष्य शरीर दिया, कुत्ता नहीं बनाया, गधा नहीं बनाया, मनुष्य बनाया, तो इस मनुष्य जीवन का प्रॉफिट क्या है, लाभ क्या है? 84 लाख योनि में से भगवान ने हमें मनुष्य ही बनाया, तो मनुष्य जीवन का लाभ क्या है? एतावान
सांख्य योगाभ्याम सर्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परे पुंसाम। पुंसाम मनुष्य का जन्म होने का लाभ क्या है? जन्म लाभ परे पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। मनुष्य जन्म का लाभ है नारायण का, भगवान का स्मरण करना। अन्ते नारायण स्मृति, अन्ते के दो अर्थ है, जीवन के अंत में भगवान नारायण का स्मरण हो जाए या किसी भी कार्य के अंत में नारायण का स्मरण हो जाए। भक्तों हम दुनिया में एक दिन में, एक सप्ताह में, महीने में, वर्ष में बहुत काम करते हैं, अनेकों प्रकार के कार्य करते हैं। हम जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में हम सफल हैं या नहीं ये कैसे पता चले, इसका मीटर क्या है? दुनिया के किसी भी कार्य के अंत में नारायण का स्मरण हो जाए, कृष्ण का स्मरण हो जाए, तो समझो आपका वह कार्य सफल। और यदि करोड़ों रुपए मिल रहे हैं और भगवान का स्मरण नहीं तो पैसे मिलकर भी आपका कार्य फेल, लॉस। इसलिए देखना चाहिए कि मेरे मन में जो विचार आ रहा है और जो कार्य मैं करने जा रहा हूं उस कार्य में भगवान का स्मरण होगा कि नहीं। यदि होगा तो सफल, अन्यथा विफल। तो इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को उत्तर देते हैं, साथ ही साथ 2400 अवतार का वर्णन संक्षिप्त में करते हैं। महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि हे सुखदेव जी, आप मुझे ये बताइए कि हमारे परिवार में एक बहुत बड़े महात्मा हुए जिसका नाम था विदुर जी। ऐसे विदुर जी ने अपने मंत्री पद को त्याग दिया, ऐसा मैंने सुना है। हे सुखदेव जी, इस दुनिया में लोग मंत्री बनने के लिए क्या नहीं करते हैं, नारा लगाते हैं और अनेकों प्रकार का विज्ञापन करते हैं। पूरी दुनिया के मंत्री थे विदुर जी और उन्होंने स्वतः स्वयं मंत्री का पद त्याग दिया, कारण क्या है? मुझे महात्मा विदुर जी के बारे में बताइए और हस्तिनापुर को त्याग कर वे कहाँ गए, किसके साथ मिलन हुआ और उन्होंने मैत्रेय मुनि के मुख से क्या सुना, बताइए। सुखदेव गोस्वामी विदुर जी की कथा सुनाते हैं। विदुर जी भगवान के परम भक्त थे, आप जानते हैं ना, कृष्ण दुर्योधन के वहां गए, दुर्योधन ने 56 भोग बनाए थे और दुर्योधन ने कृष्ण को कहा, कृष्ण आपके लिए मैंने 56 भोग बनाए हैं, आप भोजन करके जाइए। सच कहें तो भक्तों कृष्ण को भूख लगी थी, कृष्ण को खाना था, भूख लगी थी, लेकिन कृष्ण ने तुरंत कह दिया, दुर्योधन मैं तुम्हारे घर पर भोजन नहीं करूंगा। महाभारत में लिखा है दुर्योधन ने पूछा क्यों, कृष्ण ने कहा दुष्ट अन्न न भोक्तव्यम, मैं दुष्टों के घर का भोजन नहीं खाता हूं। दुर्योधन ने कहा मैं दुष्ट हूं, बोले हां तुम दुष्ट हो क्योंकि तुमने पांडवों का विरोध किया है, तुमने पांडवों का विरोध किया और पांडव मम प्राणा ही पांडवा, पांडव मेरे प्राण है, इसलिए तुम्हारे घर पर भोजन नहीं करूंगा। इतना कह के भगवान कृष्ण निकल गए।
कहाँ जाए कहाँ खाए। वहाँ पर एक घर था जो कृष्ण की भक्ति करते थे, वो थे विदुर और विदुरानी। कृष्ण गए विदुर जी के घर पर और विदुरानी तो देखे साक्षात भगवान आए, वो तो खुशी के मारे पागल हो गए। कृष्ण ने कहा बहुत भूख लगी है मुझे, भूख लगी है। विदुरानी फल लेकर आई, आप सब जानते हैं। विदुरानी ने केले के छिलके निकाले, लेकिन कृष्ण की इन कृपा को देखकर, कृष्ण को देखकर इतना प्रेम में भाव विभोर हो गई, केले के गर्भ को फेंक दिया और केले के छिलके खिलाने लगी। और भगवान भी अपने भक्त के कार्य को नहीं देखते हैं, हमारे भगवान अपने भक्त के भाव को देखते हैं। विदुरानी के भाव को देखकर, प्रेम को देखकर भगवान कृष्ण उस केले के छिलके को खा गए, छिलके खाए। दुर्योधन का मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ये तो प्रेम सगाई है भक्तों, इसी को कहते हैं प्रेम। तो विचार कीजिए, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड चलाने वाला अर्जुन का रथ चलाए, जिसके एक इशारे से करोड़ों ब्रह्मांड चलते हैं। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरण, ब्रह्मांड चलाने वाले को रथ चलाने की जरूरत क्या पड़ गई। ये प्रेम है, सबसे ऊंची प्रेम से। तो भक्तों, प्रेम के वश में भगवान अपने भक्तों के हाथ बिक जाते हैं। भगवान ने प्रेम के वश में होकर कर्माबाई की खिचड़ी भी खाई। भगवान जगन्नाथ जी की महान भक्ता थी, खिचड़ी बनाती थी। जगन्नाथ जी अपने मंदिर को छोड़कर, 56 भोग को छोड़कर कर्माबाई के घर आते थे, रोज खिचड़ी खाते थे। एक दिन आया, कर्माबाई बूढ़ी हो गई। सुबह उठकर देखा तो जगने में देरी हो गई, जगन्नाथ जी के आने का समय हो गया। क्या करे, नहाए धोए बिना कर्माबाई ने खिचड़ी का पात्र रख दिया और इस पात्र में पानी चावल इत्यादि डाल दिए और खिचड़ी पक रही है। और अब कर्माबाई ने अपने हाथ में दातुन ले लिया। कर्माबाई दातुन के एक छोर से अपने दांत को घिस रही है और दूसरे छोर से खिचड़ी को हिला रही है। ऐसी खिचड़ी आज का साधारण मनुष्य भी नहीं खाएगा, लेकिन प्रेम था ना। उस खिचड़ी को खाने के लिए जगन्नाथ अपने जगन्नाथ मंदिर के 56 भोग ऐश्वर्य को छोड़कर कर्माबाई के घर आते थे। क्योंकि भक्तों, कृष्ण हमारे भगवान अपने भक्त के कार्य को नहीं देखते हैं, भाव को देखते हैं। भाव ग्रही जनार्दन, भाव देखते हैं। तो महात्मा विदुर जी के विषय में जिज्ञासा हुई, सुखदेव जी उत्तर देते हैं। ये उन दिन की बात है जिन दिनों दुर्योधन पांडवों को मारने के बहुत प्रयास कर रहा था। अनेकों प्रकार की अनीति के द्वारा छल कपट से पांडवों को मारने का प्लान बना रहा था। विदुर जी सब देख रहे थे। एक दिन भरी सभा में विदुर जी ने कह दिया, कहे धृतराष्ट्र महाराज, आप अपने इस पुत्र को रोकिए, यह आपका पुत्र दुर्योधन अधर्म कर रहा है। और याद रखिएगा, यदि आपने अपने पुत्र को नहीं रोका
तो इस आपके एक पुत्र के चलते पूरे कुरु वंश का विनाश हो जाएगा। और महाराज मैं आपका मंत्री हूं, और मंत्री का कर्तव्य होता है राजा को मंत्रणा देना, इसलिए मैं आपको मंत्रणा दे रहा हूं, आप अपने पुत्र को रोकिए। पुत्र के मोह में अंधे धृतराष्ट्र तो कुछ नहीं बोले, परंतु उस समय दुर्योधन से नहीं रहा गया। बड़ी सभा में दुर्योधन खड़ा हो गया और क्रोधित होकर कहने लगा, कयेव मातृप जुहाव जिस्मम दास्या सुतम यत बलिनेव पृष्ठ। विदुर जी तुम अपनी औकात मत भूलो, दास्या सुत तुम दासी के पुत्र हो, तुम दासी के पुत्र हो, हमारे नौकर हो, हमारे टुकड़े पर पल रहे हो, जिस थाली में खा रहे हो उसी थाली में छेद कर रहे हो। जब दुर्योधन ने इस प्रकार से कहा, विदुर जी से नहीं रहा गया। हमारे भारतवर्ष में दो नीति विश्व विख्यात हो गई, एक चाणक्य नीति और एक विदुर नीति। विदुर जी की यह नीति है कि जहां वैष्णव का अपमान हो रहा हो, वैष्णव का तिरस्कार हो रहा हो, यदि ताकत है तो वैष्णव का अपमान करने वाले की जीभ खींच लेनी चाहिए, और यदि ये नहीं कर सकते हैं तो स्थान को छोड़कर चले जाना चाहिए। विदुर जी ने यही किया कि यहां भगवान के प्रिय पांडव का अपमान हो रहा है और फिर भी राजा चुप बैठे हैं। तुरंत विदुर जी हस्तिनापुर को छोड़कर हस्तिनापुर के द्वार पर अपने धनुष बाण रखकर वहां से निकल गए। भले मंत्री थे परंतु क्षत्रिय की तरह रहते थे। परंतु भक्तों, विदुर जी हस्तिनापुर छोड़कर क्या गए, पांडव के कौरवों के भाग्य को लेकर चले गए। जिस दिन से महात्मा विदुर हस्तिनापुर को छोड़कर चले गए, उस दिन से दुर्योधन आदि कौरव भाग्य विहीन बन गए। उस दिन से दुर्योधन का पतन शुरू हो गया। ये शास्त्र का सिद्धांत है, जिस देश में, जिस समाज में, जिस कुटुंब में कोई वैष्णव रूठ जाए, या जिस स्थान को छोड़कर वैष्णव चला जाए, उस स्थान का पतन हो जाता है, शीघ्र ही पतन। रामायण में भी यह प्रसंग है। रावण के भाई विभीषण ने रावण को बहुत मनाया, परंतु रावण नहीं माना। अंत में रावण ने विभीषण को लात मार दिया। वहां पर गोस्वामी जी लिखते हैं, रावण ने विभीषण को लात नहीं मारी, अपने भाग्य को लात मार दी। रावण ने विभीषण को लात नहीं मारी, रावण ने अपने जीवन की आयु को लात मार दी। जिस दिन से रावण ने विभीषण को अपनी लंका से निकाल दिया, उस दिन से रावण के मरने की तारीख पक्की हो गई। नहीं तो दुनिया में किसी की ताकत थी कि रावण को मार सके? रावण को मारने का उपाय मात्र विभीषण ही जानते थे, और विभीषण जब तक रावण के साथ रहते, रावण को कोई न मार सकता। परंतु जहां वैष्णव का अपमान हुआ, जहां भक्त का अपराध हुआ, अपराध करने वाले का पतन। विदुर जी निकले हैं हस्तिनापुर छोड़कर, अनेकों प्रकार के तीर्थाटन करते करते विदुर वृंदावन में पधारे। वृंदावन में उद्धव जी के साथ मिलन हुआ। उद्धव जी ने भगवान कृष्ण के विषय में बताया और अंत में कहा, कृष्ण हमें छोड़कर चले गए हैं। और जाते जाते कृष्ण विदुर जी आपको याद कर रहे थे। इस दुनिया को छोड़ते हुए कृष्ण मुझे याद कर रहे थे। इतना सुनकर विदुर जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले, मुझे याद किया? बोले, हां,
और उस समय मुझे और मैत्रेय मुनि को भागवत का ज्ञान दिया और कृष्ण ने मैत्रेय जी को कहा कि जब विदुर जी आपके पास आएंगे तो ये ज्ञान उनको प्रदान कर देना। विदुर जी मचल गए, उद्धव जी से पूछे मुझे मैत्रेय जी कहाँ मिलेंगे, बोले वे हरिद्वार में मिलेंगे। विदुर जी वृंदावन से हरिद्वार गए और हरिद्वार गंगा के तट पर मैत्रेय मुनि विदुर जी की राह देख रहे थे। उसी समय विदुर जी उपस्थित हुए और मैत्रेय जी और विदुर जी के बीच में बहुत सुंदर संवाद हुआ। श्री सुखदेव गोस्वामी मैत्रेय विदुर संवाद भागवत के तीसरे और चौथे स्कंद में रखते हैं। विदुर जी ने अनेकों जिज्ञासा की, उन जिज्ञासाओं में से एक जिज्ञासा यह थी कि हे मैत्रेय मुनि, अब आप सब ध्यान से यदि सुन रहे हैं तो कथा प्रारंभ हुई थी नैमिषारण्य में, जहां कथा बोलने वाले सूत जी, सुनने वाले 88,000 ऋषि मुनि। फिर कथा शुरू हुई गंगा के तट पर, कथा बोलने वाले सुखदेव, सुनने वाले परीक्षित। अब उस कथा में तीसरी कथा गंगा के तट पर हरिद्वार में, बोलने वाले मैत्रेय और सुनने वाले विदुर जी, एक साथ तीन संवाद चल रहा है। विदुर जी ने पूछा बताइए इस सृष्टि का सर्जन होने के बाद ब्रह्मा जी के द्वारा इस संसार में प्रजा की उत्पत्ति कैसे हुई, ये संसार चक्र कैसे आगे बढ़ा, ये मानवों की उत्पत्ति कैसे हुई, विस्तार से बताइए। मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं भगवान विष्णु के प्रत्येक रोमकूप से करोड़ों ब्रह्मांड प्रकट होते हैं और उस ब्रह्मांड में एक एक गर्भोदकशायी विष्णु होते हैं और उस गर्भोदकशायी विष्णु की नाभि से कमल प्रकट होता है और उस कमल की डंडी में 14 लोक अतल वितल तलातल पाताल रसातल जनलोक महरलोक तपलोक सिद्धलोक और सबसे ऊपर ब्रह्मलोक, और ये 14 लोक से बना हुआ एक ब्रह्मांड माना जाता है। ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है, प्रत्येक ब्रह्मांड में एक एक गर्भोदकशायी विष्णु और उस गर्भोदकशायी विष्णु से एक कमल और उस कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी ने तपस्या की, भगवान विष्णु प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को चारों वेदों का ज्ञान प्रदान किया और भगवान विष्णु ने आज्ञा दी कि इस ज्ञान के बलबूते पर आप इस दुनिया में प्रजा की उत्पत्ति करो, क्योंकि भगवान ने दुनिया तो बना दी परंतु प्रजा की उत्पत्ति नहीं की। भगवान विष्णु का आदेश हुआ, ब्रह्मा जी प्रजा की उत्पत्ति करने के लिए सर्वप्रथम अपने से 10 पुत्र को जन्म दिए। ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को कहा कि आप 10 शादी कर लो और आपका वंश आगे बढ़ाओ, क्योंकि ब्रह्मा जी को सृष्टि भरनी थी, परंतु 10 ने कहा कि हम ब्रह्मचारी रहेंगे, शादी नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया और उस समय ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी से एक रोता हुआ बालक प्रकट हुआ। वह बालक रोता हुआ प्रकट हुआ इसलिए उस बालक का नाम रखा गया रुद्र, साक्षात शिव जी। देखते देखते शिव जी बड़े हो गए, पिताजी को प्रणाम करके आज्ञा मांगे, पिताजी मेरे लिए क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा तुम्हारे ये 10 भाई तो कुछ काम के नहीं रहे, अब मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं तुम प्रजा की उत्पत्ति करो। शिव जी गए अपने लोक में, अब जैसा जैसा जिसका स्वभाव ऐसे उनकी सृष्टि। शिव जी ठहरे तमोगुणी देवता,